लॉन बहुत ही रेहान ने पसंद किया है, ये वाला सूट हमार ने पसंद किया है, पर आपके लिए मंगवाई, मेरे लिए भी है। अच्छा आप तो खा लेना पहले, फिर मैं भी खाता हूँ। तो मामा ने याद की है वैसे, मामा पहले तो आपको लेकर चलता हूँ डॉक्टर के पास, फिर आपको कपड़े दिलवा दूँ। लेने कपड़े? देखेंगे देखेंगे कर लिया। आंखों से लग रहा है जैसे बहुत खुश है, बड़ी मुस्कुरा रही है। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, के हाल चाल हैं? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारा जी शाम का व्लॉग स्टार्ट हो गया, तो शाम के व्लॉग में जो आपको दिखाते हैं, तो मैं इस वक्त जा रहा हूँ जी बेगम को लेकर। साइकिल उधर खड़ा किया, साफ़ किया उनका, वो साइकिल नहीं लेके जाते। कहते मम्मा गर्मी होती है जब आते हैं तो फिर उन्हें साइकिल नहीं चलाई जाती, तो आते हैं तो हवा के चलो चलती रहती है, तो हम पैदल आ जाते हैं बच्चों के साथ। दो तीन दिन हो गए साइकिल नहीं लेके जा रहे अभी। तो मुर्गियों को भी मैंने छोड़ा था, दाना पानी खिलाया है। दाना पानी क्या खिलाया, दाना पानी खाते ही नहीं है ये। अब ये देखे अंदर गए हैं तो अब खा रहे हैं दाना। दाना खा रहे हैं अभी, तो इनको छोड़ा, छोड़ के बाहर घुमाया फिराया, इनके कमरे वगैरह साफ किए हैं मैंने, झाड़ू वगैरह लगाया है। तो इसका कमरा भी साफ़ किया है, इसको भी साफ सुथरा किया है। तो हम इनको खोल बंद कर दिया इनके कमरे में। ये बैठे हैं, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरी माशाल्लाह। तो वो देखो नमूना कैसा खड़ा है कटोरी के अंदर। तब झाड़ू दूंगी, झाड़ू दो के पोछी वगैरह लगाऊंगी, तो फिर हमारा पानी भी ख़त्म हो गया है। साहब पानी भी लेके आएंगे, गाड़ी लेके दुकान पे गए हुए हैं, एक गाड़ी की जगह खाली है बिल्कुल। तो दुकान पे गए गाड़ी लेके, कहते इसकी सफाई करूँगा, चलो कोई सवारी आ जाती है तो फिर सवारी भी कोई ले जाऊँगा जब कोई आ गई तो। लेकिन चलो ठीक है, ये कैरी लेके आए थे माधरियान, तो मैंने कुछ कल वो बनाई थी चटनी, और कुछ का भी जूस बना के रखेंगे, इसको ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करके छान कर इसको रख देंगे। माशाल्लाह काम मैंने कर लिए, किचन की सफाई वगैरह कर लिए, बटन वगैरह धो के लगा दिए। ये दूध रात तो मैंने लिया था, तो काफ़ी देर हो गई, तबीयत भी ख़राब थी, तो मैंने सुबह को गर्म किया ये वाला दूध। तो इधर चारपाई वगैरह भी डाल दिए मैंने, ये शाम को कपड़े धोए थे वो उतार के लेके आई हूँ। अब इनकी तह लगाऊंगी, इनको कपड़ों को साफ कर रखूँगी, और बादाम देने भी मैंने पोछी वगैरह लगा दी है। या गाड़ी नहीं थी तो इसकी सफाई की अच्छी थी, इसलिए पोछी लगाई है कि उस दिन मैंने सेहन धोया था, तो इसे किसी के नीचे से मैंने धोया था, क्योंकि गाड़ी खड़ी थी तो गाड़ी गई है, तो आज मैं इसके इधर पोछी लगाई है, सारे गेट वगैरह को साफ किया है, कपड़ा लगाया है इसको। बाकी खुरे धोने वाले रहते हैं, ये आप ही धोएगी, अब मैं थक गई हूँ। तो सेहन में झाड़ू वगैरह दे दिए, पोछी वगैरह लगा दिए। ये पर्दे दो धोए थे मैंने उधर से, उधर तार पे फैलाए हुए थे, तो फिर मैंने इधर फेंक दिए पट्टे पे। अब इनको भी उठाऊँगी, तेल लगाऊँगी, तो बैठे को अभी कपड़ा लगाने वाला रहता है। इधर मैंने कुछ नहीं किया, कपड़ा वगैरह नहीं लगाया, अभी उसको लगाएंगे। तकरीबन 10 बज गए हैं, अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, साहब गाड़ी लेके गए होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने दुकान खोल ली आगे, दुकान की सफाई वगैरह करूँगा। क्या हाल है, गाड़ी भी ले आया, उसकी भी सफाई करूँगा। तो जी गाड़ी की सफाई वगैरह भी हो गई है। अच्छा तो जी गाड़ी की मैंने सफाई कर ली है, तो अब मैंने बनाना है ये ना, मैं कूड़ा वगैरह उठाने के लिए ना बेगम को बना के दिया था ये डब्बा, तो ये ना काम करते हुए टूट गया। तो सीमेंट वगैरह उठाते थे इसके साथ, बच्चे मिक्सिंग करते, कोई मैं भी इसके साथ लगा रहा हूँ, रेत वगैरह इकट्ठी करते रहे, तो ये टूट गया था। इसकी ना वो डंडी जो होती है ना पीछे हैंडल, यहाँ पे बना हुआ था ये हैंडल, ये टूट गया यहाँ से, तो अब इसका मैं हैंडल और लगाऊंगा। ये पहले भी मैंने खुद ही तैयार किया था, ये पाया पाया मेरे पास ये वाला, इसको मैं काटूंगा इधर से, यहाँ से काट के मैं इसका हैंडल बनाऊँगा। तो हैंडल बना के फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मेरे पास स्टैंड वगैरह नहीं है, अगर स्टैंड होता तो मैं ना फिर इसको स्टैंड पर लगा के तो इसको मैं बनाता। तो ऐसे ही जब मैं थोड़ा थोड़ा इसको बनाता जाऊँगा, जो जो चीज़ बना लूँगा, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा।
सबसे पहले तो मैंने इसकी ये रिपट जो लगी हुई ना, ये रिपट किया हुआ है इसको मैंने, ये निकालूंगा, ये वाले दोनों निकालूंगा, ये अलहदा हो जाएगा इससे। तो इसी तरह ही फिर इसको मैंने हैम्बर के साथ इसको प्रेस करूंगा, प्रेस करके ये जो है इसको प्रेस करके फिर इसमें दो होल निकालूंगा उसी हिसाब से, तो फिर इसमें रिपट कर दूंगा इसको, रिपट ज्वाइंट हो जाएगा ये और इसका हैंडल बन जाएगा। पहले थोड़ा लंबा था हैंडल, तो बैंक में ये थोड़ा छोटा होना चाहिए ताकि कोई ऐसी जगह होती है भी जहाँ पे ना ये फिर कूड़ा वगैरह उठाना मुश्किल हो जाता है, जगह कम होती है वहाँ, तो इसका फिर मैं छोटा हैंडल लगाऊंगा इसको। तो ये ग्राइंडर भी मैंने निकाल दिया, इसकी डिस्क चेंज करूँगा, वो रगड़ाई वाली डिस्क है यानी ग्राइंडिंग करने वाली है, और ये कटिंग वाली डिस्क है, इसके साथ इसकी मैं कटिंग करूँगा, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और तो ये देखेंगे इसकी मैंने रगड़ाई, तो इसको जी मैंने ग्राइंडिंग के साथ ना ऊपर से ग्राइंड कर लिया है, रगड़ लिया है, इनके इसमें रगड़ाई कर लिया, ये देखिए ये निकल गया, चेक करें इसे, ये देखा ये निकल गया जी रिपेट, इसके एक अभी खड़ी है वो भी निकाल दूंगा, और पे एक एक रिपट इसको और लगाऊंगा यहाँ पे होल करके इसको। अच्छा तो व्यूअर्स, मेरे पास रिपट नहीं थी, मैंने ना बहुत ढूंढाया, रिपटें थी लेकिन ख़त्म हो गई हुई हैं, तो मैंने पहला जुगाड़ तो इसके लिए निकाला ये वाला स्क्रू पेच, कि ये लगा के इसको ऊपर से हैम्परिंग कर दूँ, लेकिन ये काम के हैं। तो उसके बाद मैंने ये भी एक निकाला था, लेकिन इसको भी फिर मैंने नहीं छेड़छाड़ की, और उसके बाद मैंने निकाला जी ये वाला, ये होता है जी रिपट, ये थोड़ी ख़राब है, असल मेन जो रिपट होती है ना वो ऐसी होती है जैसे ये है, लेकिन ये थोड़ी ख़राब है इसलिए ये सही नज़र नहीं आ रही है, पीछे बैक साइड जो इसकी ना ये ख़राब है, सही ये है। तो ये साइकिल की जो तार होती है ना, मोटरसाइकिल की स्पोक जो होती है, उसका ये नट है, ऊपर वाला तार का नट है, मैं इसी की हैम्बरिंग इसी को ना मैं रिपट से, रिपट का काम इसी से लूँगा, इसको लगा के मैं हैम्बरिंग कर दूँगा, तो ये बड़ा बेहतरीन हो जाएगा काम। अगर रिपट नहीं है आपके पास तो आपने टेंशन नहीं लेनी, इससे भी आप काम चला सकते हैं। अब जी मैं इसकी डिस्क चेंज करूँगा, जहाँ पर रखी थी मैंने डिस्क, कहाँ गई वो, ये पड़ी है ये वाली डिस्क लगाऊंगा इसको, फिर इसके साथ मैं इस पाइप की कटिंग करूँगा, कटाई करूँगा। आपने जी जब भी ये ग्राइंडर इस्तेमाल करना है ना, तो आपने सबसे पहले इसकी वायर निकालनी है प्लग में से, इसका प्लग निकालें, अगर नहीं निकालेंगे तो फिर मेरी तरह होगा जैसे मैंने हाथ कटवाया था, ये देखें मेरी उंगली अभी भी ज़ख्म है, मैंने टांके इसके निकाल दिए हैं, ये देखिए अभी भी ना रेड रेड नज़र आ रहा है, यहाँ से ज़ख्म अभी भी कच्चा है, खून रिस रहा था। तो ये देखें जी ये मैंने डिस्क उतार दी है, ये देखिए ये कितनी मोटी है, तो ये वाली कटिंग वाली डिस्क लगाऊँ पतली बारीक मोटी, मैंने रगड़ाई वाली डिस्क जो है ये उतार ली है, ये देखें, और ये कटिंग वाली डिस्क भी मेरे हाथ में पकड़ी हुई है, और ये ग्राइंडिंग वाली है, तो ये मैंने दोनों डिस्क हाथ में पकड़ी है, अब मैं ये वाली लगाऊँगा, ये वाली डिस्क, ये वाली उतार दी मैंने। हाँ क्या कहते हो बाजू, ईद कैसी थी, कैसी गुजरी है? मेरी तो ईद बहुत गुजरी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी गुजरी है। आपकी कैसी गुजरी है? बहुत अच्छी गुजरी है। कितनी खर्ची मिली थी? हाँ आपको कितनी खर्ची मिली थी ईद पे? 100 रुपया मिला था। क्या लिया फिर आपने 100 का? क्या खाया था? बस बिस्कुट खा लिए, सब 100 गई। अच्छा मुझे तो खर्ची नहीं मिली इनकी, मेरी अम्मी नहीं थी ना, अम्मी ने देनी थी खर्ची, मेरे बाबा ने खर्ची दी थी, भैया अम्मी ने, भैया अबू ने, मेरा बाबा उसने दिए थे मुझे खर्ची दी थी उसने, मुझे बाबा ने बहुत सारी खर्ची दी थी मुझे बाबा ने। ये पीस जो मैंने काटा था इसको हैमरिंग करके मैंने थोड़ा प्रेस किया, एक होल मैंने निकाल लिया इस सुंबे के साथ, ये वाला सुंबा है मेरे पास, तो दूसरा होल अभी मैं इसका निकालूंगा, पहले इसको पंचिंग का निशान लगाऊंगा इसका, ये यहाँ पर इसका मैं दूसरा होल निकालूंगा, ये इधर इसको थोड़ी सी हैमरिंग करूँगा ना तो ये निशान लग जाएगा, तो फिर इसका मैं सुराख निकाल लूँगा, दूसरा होल भी इसका मैं निकाल रहा हूँ ऐसे, ये मैंने नीचे नट रखा हुआ है इसके ऊपर ये, और फिर ऐसे इधर से पकड़े हुए, नज़र आ रहा है ये इधर बना, इधर ये नज़र आ रहा है आपको, हाँ ऐसे ये हो गया जी, इसमें होल और एक रिपट आ गई जी इसमें, ये वाली
इसके ऊपर भी एक दुपट मैं और रखूँगा ऐसी, जो पहले मैंने लगाई ना नीचे, ऊपर भी मैं एक दुपट लगाऊँगा इसको। ये वाली दिक्कत, तो अभी इसकी बारी आ गई। वालेकुम अस्सलाम। इसके साथ बहुत ज़बरदस्त हो गया बस जी, ये तैयार हो गया, ये देखें तैयार हो गया बहुत ज़बरदस्त। इसने की है जी, कैमरा मैन ही पता नहीं कैसी की है। तो ये देखें जी, ये जी मेरा ये जो कूड़ेदान था ना, ये तैयार हो गया मेरा कूड़ा उठाने वाला। हैंडल भी लग गया इसको, छोटा हैंडल लगा दिया इसको मैंने, बड़ा बेहतरीन लग गया जी। अब पहले बारीक पाइप का था, अब कुछ मोटे पाइप का, अब ये ना जल्दी टूटेगा नहीं। तो आपने मुझे बताया जी ये मेरा जुगाड़ आपको कैसा लगा, तो आप हमें हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। हाँ जी सलीम भाई, क्या हाल है, क्या लेके आए हैं? आइसक्रीम काची फलूदा। आइसक्रीम काची फलूदा खालस? खालस। चीनी वाली, खोए बादाम वाली कि खालस पानी वाली? नहीं नहीं खालस चीनी वाली। अच्छा, खालस दूध वाली। वो जो लड़का आ रहा है ना, इसको 10 रुपये वाली कौन देनी है आपने, वो आ रहा है। और ठीक है वाजिद, जल्दी लेके आ यार पानी। वाजिद कौन खानी है, कौन खानी है, कौन कौन खानी, कौन आइसक्रीम, आइसक्रीम खाओगे? कोई आइसक्रीम खानी है तूने? बताओ। हाँ वाजिद आइसक्रीम खाओगे? कौन खानी है? हाँ ये जी, आज कैमरा मैन ही कर रहा था मेरी, मैंने कहा इसको कौन खिलाएं। पानी भी लेके आया ठंडा। हाँ जी वाजिद, कौन ले लिया? चले खाएं, मजे ले लेके खाओ। पैसे नहीं देने इसको आपने? इसको पैसे देने ही नहीं आज। वाजिद कौन, मज़ेदार भी है कि ऐसे ही है? मज़ेदार है। अच्छा मज़ा आ रहा है खाने में? मीठी या फीकी है? मीठी है। दांत किधर का तुम्हारे? तुत गए हैं। क्यों तुत गए हैं दांत? कैसे तुते हैं तुम्हारे दांत? दोपहर हो गई है जी, 1 बज गया, तो मैं अभी जा रहा हूँ घर, बच्चों को भी ले आना है स्कूल से और पानी भी लेने जाना है। दुकान बंद करने लगूँ अपने, तो मैं जी दुकान से घर आ गया हूँ, घर भी ले आऊँगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ, पहले तो मैंने नहाया है, नहा के कपड़े चपड़े चेंज किए, तो अब मैं जा रहा हूँ स्कूल बच्चों को लेने, पानी भी लेके आना है, केन खाली पड़ा है। तो बेगम कहती है जी बच्चों को भी ले आए। बेगम साहब क्या सब्ज़ी लेके आई हैं जी? हाँ तो क्या लिया फिर आपने? सारी सब्जी ना वो है। क्या है? सारी सब्जी तो गर्मी लगी है। अच्छा गर्मी लगी हो, तो ये क्या लिया आपने? ये एक बैंगो भी लिया, मैंने सलाद बना ली। अच्छा पर बच्चे आए हैं आलू पकाए ना आज। अच्छा आप भी सलाद बना ली? चलो ठीक है, चलो ठीक है मैं ले आऊँ फिर बच्चों को। और वो भी बना के दे रहे हैं वो। ये
और साथ में बनाई हमने दूध वाली लस्सी, कच्ची लस्सी इसको बोलते हैं। गर्मी बहुत है, बच्चे स्कूल से आते हैं तो मेरे कहा कि कच्ची लस्सी बड़ी ठंडी होती है, लस्सी बहुत ठंडी होती है। तो साथ में बनाई रोटी फ्रेश ही करते हैं। बेगम साहब चले, पहले तो आपको लेकर चलता हूँ डॉक्टर के पास, फिर आपको कपड़े दिलवा दूँ। लेने हैं कपड़े? देखेंगे। देखेंगे कि लेने हैं? आंखों से लग रहा है जैसे बहुत खुश हैं, बड़ी मुस्कुरा रही हैं। चले आ जाए फिर, क्या याद करेंगे आप बेगम, किसी सखी के साथ वाला पर आ जाओ फिर। चले ये ब्लू कलर है जी, ये मेरे ब्लू आ गया। और ये वाला एक डार्क गोल्डन कलर चाह रहा है। डार्क गोल्डन कलर जी। ये दुपट्टा है? हाँ जी। इसको हटाएं जरा दुपट्टे को। ये जो दुपट्टा है ये शर्ट कट बनाया ना, ये शर्ट कट बनाया ना जी, फ्रंट साइड वो बैक और वो साइड। लॉन है? ठीक होगा, ब्रांड की लॉन है ये। अच्छा, देखो मैं आपको कौन सा सूट पसंद है? आपने मेरे को मेरा सूट पसंद है। ये गर्मी में पहनने वाला? हाँ जी, लॉन है, गर्मी से ले सकते हैं। ऐसा ना कोई सर्दियों वाली दे दे। हाँ बेगम पसंद करें, आपकी चॉइस है, जो सूट पसंद करेंगे वो ले लूँगा, जो आपको अच्छा लगेगा। ब्लैक में भी है? दुपट्टा ब्लैक में। तो हम जी बाज़ार से वापस आ गए हैं, कपड़े अभी तक नहीं लिए, लेकिन को मैंने चेक करवाए सूट को, तुम पसंद नहीं आए तो फिर हम आदर रेहान को भी साथ लेके जाएंगे, जो उनको पसंद आएंगे वो ले जाएंगे। तो रेहान ने अभी हमारे नहीं छोड़ी हुई है मुर्गी, बार मुर्गी उनके बच्चों को छोड़ा हुआ है। मैं नमाज पढ़ के आया हूँ सर की। मम्मा और पापा कपड़े दे के आए थे, तो जी अब हम जी जा रहे हैं, हम अपनी पसंद के कपड़े लेंगे। हाँ जी, मुनाहल भी साथ में जा रही है और मैंने भी अपने पसंद के कपड़े देने हैं। कौन आप? मगरब की अजाना भी होने वाली है, सूरज ग्रुप हो चुका है। हम जी रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हैं, रेलवे लाइन पे पहुंच चुके हैं, गाड़ी आ नहीं रही और मुनाहल भी हमारे साथ जा रही है, रेहान भी है। जी सामने पापा भी आ रहे हैं, ये देखा जमनाल बैठे हैं जी। शाम का टाइम है और दुकानें खुली हुई हैं जी। रेहान आपने कौन सा कलर पसंद किया है? वो मनायल इधर दिखाएं, ये वाला कलर रेहान ने पसंद किया है। हमाद का ये वाला सूट हम आपने पसंद किया है जी। ये जी शाइनिंग दे रहा है जी, ब्लू कपड़ा हम आद कहता था मैंने ब्लू लेना है, तो इसलिए फिर मैंने ना इसको कपड़ा लेके दिया जिसमें ना ब्लू शाइनिंग हो। ठीक है आपने? ठीक है सर। मनाहिल का सुबह लेंगे, इसकी मम्मा आएगी वो लेगी। ये देखिए जी, चलो भाई एक कपड़े सिलाई देने के लिए आए हैं जी भाई मुख्तियार के पास। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी, ठीक हो? तबीयत सेहत? ये हमाद अहमद का सूट। अच्छा, दम कराना। और हमाद अपना सूट दिखाएं आप। चलो पहले खा लें, माँ मैंने जी आइसक्रीम मंगवा ली है बच्चों के लिए, इधर आए आप भी। पर आपके लिए मंगवाई? मेरे लिए भी है। अच्छा आप तो खा लेना पहले, फिर मैं भी खाता हूँ। तो मामे ने ये ज्यादती की है वैसे मामा, मन
मनाल तो बहुत खुश हो गई है ना आइसक्रीम खा के। रिहान का सूट आ गया और इसकी वो ना नाप ले रहा है, कमैश कर रहा है। मेरा नाप है उसके पास पहले ही, मेरा नाप है मम्मी के पास।